हे गाइस, इट्स मी राहुल एंड यू आर वाचिंग ब्लॉगिंग हट एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 7th of May सैटरडे, यानी कि कल रिलीज हुआ था 6 मई को आपका डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। और कल का ही जाने का प्लान था हम लोग का शो, बट कल किसी का टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था, बहुत मतलब सबका अपना शेड्यूल बिजी चल रहा है। तो आज 7th of May है, अभी बज रहे सुबह के 6:10 और 6:30 का शो है। हम लोगों ने टिकट्स नहीं लिए क्योंकि इतना सुबह टिकट्स मिल ही जाएगा और ज़्यादा दूर है भी नहीं, 10 मिनट बाइक राइड से हम लोग पहुँच जाएंगे। तो मेरा दोस्त लोग आ रहा है गाड़ी लेके और मैं अभी निकल चुका हूँ। इतना सुबह शायद मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मूवी देखने, क्योंकि जनरली कोई मूवी देखता हूँ तो मिनिमम 9-10 बजे का पहले का शो मैं देखता नहीं हूँ। बट यार डॉक्टर स्ट्रेंज है, इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ और इसका एक अलग लेवल का हाइप बना हुआ है। जैसे आपका बना हुआ था नो वे होम के लिए स्पाइडरमैन, उसी लेवल का हाइप बना हुआ है और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। तो इसीलिए जाना तो था ही और मेरा भी रेगुलर काम चल रहा है, तो फिर और टाइम निकालना मुश्किल है, मेरे दोस्तों के लिए भी मुश्किल है। तो ये टाइम परफेक्ट है और सुबह सुबह का टाइम, बहुत ठंडा ठंडा वेदर है, मज़ा आता है। तो जल्दी चलते हैं, पर फ्रेंड लोग आ चुका है, लेट्स गो। तो फिलहाल यहाँ पर मतलब ये फ्रेंड आ चुका है और दो बंदे आ रहे हैं अपने गाड़ी से। तो ये पहले आ चुका है तो हम लोग जाके टिकट्स बुक कर ले रहे हैं क्योंकि 6:15 हो चुका है और ऑल्दो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सुबह का टाइम है, रास्ता खाली मिलेगा, बट फिर भी हम लोग अपने हिसाब से रेडी रहना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 1 मिनट भी इसका मिस नहीं करना है, एक सेकेंड भी मिस नहीं करना है एक्चुअली। तो जितना जल्दी हो सके पहुँचना है, टिकट्स लेना है। हम लोग प्लान कर रहे हैं अगर रास्ते में कोई दुकान वगैरह दिख जाए तो एक बिस्किट का पैकेट ले लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह है, भूख लग जाएगा, 2-2.5 घंटा रुकना है। तो फिर देखते हैं, पहले पहुंचते हैं वहां पर सेंटर में, गाड़ी पार्क करते हैं, ऊपर जाकर टिकट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप थोड़ा सा सुबह का जो व्यू है उसका आनंद उठाइए। ऐसा 4 पैकेट बिस्किट्स ले लिया है क्योंकि भूख लगने वाली है, तो फिर खा के फिर अंदर घुसेंगे। अंदर अगर घुसाने मिलेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मिलना मुश्किल है, तो आराम से देखते देखते खाते हैं, बट खा के फिर घुसेंगे। और टाइम हो ही गया है ऑलमोस्ट, और दो बंदा पहुंच चुका है, वो लोग टिकट्स ले लिया होगा। चलिए अंदर घुसते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं अंदर। चल चल चल, ठीक है। अरे हम लोग पहुंच चुके हैं और स्टार्ट शायद हो चुका है, नहीं हुआ हो भैया, है कौन? सो गया का? लाइट बंद करे। अरे यहाँ पे मूवी स्टार्ट होते हुए इसीलिए का हम लोगों ने 3D शो लिया सुबह सुबह 6:30 बजे 3D शो है। 6:30 के हिसाब से यहाँ पर लोग ठीक ठाक आ गए हैं, 35-40 लोग यहाँ पर होंगे अभी। तो चलिए अब इंटरवल में मिलते हैं। यहाँ पर मूवी खत्म हो चुका है और हम लोग क्रेडिट सीन का वेट कर रहे हैं जो कि शायद अब आने वाला है, वो देखे बिना तो जाना नहीं है।
तो फिलहाल मूवी ख़त्म हो चुका है और अगर मैं मूवी का एक्सपीरियंस बताऊँ तो काफ़ी बढ़िया था। और ये डॉक्टर स्ट्रेंज का मूवी के साथ आप ये कह सकते हैं कि वांडा का ऊपर भी मूवी था, क्योंकि जितना रोल डॉक्टर स्ट्रेंज का था उतना ही या फिर थोड़ा ज़्यादा ही बोल सकते हैं वांडा का था। और एक जगह थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था टॉम क्रूज का आयरन मैन, क्योंकि बहुत सारे कैमियोज थे और इसका भी बहुत र्यूमर्स आ रहा था, तो बट टॉम क्रूज का आयरन मैन नहीं है, जो ये सोच के जा रहे हैं तो वो डिसअपॉइंटेड होंगे। बाकी और मैं ज़्यादा कुछ आपको स्पॉइल नहीं करूँगा, इतने पूरा टॉम क्रूज का आयरन मैन नहीं है अगर आप वो सोच के जा रहे हो तो, लेकिन बहुत सारे कैमियोज हैं और मार्वल ने अपना एक ब्रॉडवे खोल दिया है इतना सारा मल्टीवर्स दिखा के कि आगे बहुत सारे लोग, मतलब जितना भी है इंक्लूड हो सकते हैं। आप समझ लो कि मैं किस तरह इंडिकेट कर रहा हूँ। और मैं बोलूँ तो ओवरऑल अच्छा था, स्ट्रेंज का डॉक्टर स्ट्रेंज का जो रोल था वो बड़ा अच्छा था, ये वांडा मैक्सिमम का रोल बहुत अच्छा था, अमेरिका सेविस का बहुत ज़्यादा कुछ खास रोल नहीं था बट फिर भी ठीक था क्योंकि उसको नेक्स्ट मूवी के लिए सेटअप किया गया है। दो पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक मिड क्रेडिट है जो कि आपको देखना चाहिए, लास्ट वाला नहीं भी देखोगे तो चलेगा, कोई नहीं है, 10 मिनट बैठ के ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल मूवी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, सुबह का टाइम था, सुबह सुबह हम लोग आके देख लिए, अच्छा वेदर था, मज़ा आ गया, पैसा भी कम लगा, 200 रुपये में हम लोगों ने 3D देख लिया। और बस अब हम लोग जा रहे घर, मेरे को भी अब काम है, काम में निकलना है, तो बस मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, किसी अगले जगह पर, कुछ और करते हुए, तब तक के लिए बाय, टाटा।